दिव्य योग मंदिर एवं पतंजलि संस्थान के राष्ट्रव्यापी सेवा के गौरवशाली 18 वर्ष पूर्ण होने पर हम अपने दर्शकों को 20 जनवरी से संस्था की विभिन्न सेवाओं पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण आस्था पर रात्रि 8 से 9 बजे एवं संस्कार पर रात्रि 9 से 10 बजे तक कर रहे हैं और ये क्रम 27 जनवरी तक चलेगा। कल हमने अपने दर्शकों को उस पवित्र महातीर्थ दिव्य योग मंदिर कनखल से अवगत कराया जहां से इस राष्ट्र यज्ञ की नींव रखी गई थी। साथ ही पतंजलि योग पीठ परिसर में स्थित विभिन्न सेवा प्रकल्पों की भी जानकारी दी। आज हम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के ईश्वरीय कार्य की जो मूल शक्ति है तथा जिन्होंने श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के सपनों को मूर्त रूप दिया, साथ ही संस्था के निर्माण एवं विस्तार के पीछे जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का साक्षात्कार कराएंगे। साथ ही पतंजलि फेज टू परिसर में स्थित विभिन्न सेवाओं से भी आपको अवगत कराएंगे। देश के करोड़ों लोगों के सहयोग, उनकी आस्थाएं, विश्वास और पुरुषार्थ से यह पतंजलि योगपीठ एक ऐसा तीर्थ जहां योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक ज्ञान को, भारतीय परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक आधार दिया गया। दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतने अल्प काल खंड में इतना बड़ा यह अनुष्ठान एक आश्चर्य जैसा लगता है जमाने के लोगों को, लेकिन जब भगवान का अनुग्रह होता है, निष्काम निस्वार्थ भाव से निरंतर जब कोई तप, कोई साधना, सेवा का अनुष्ठान, यज्ञ किया जाता है, तो फिर 5 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान। इन 18 वर्षों में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच चुकी है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जहां से लगभग 20 साल पहले यह अनुष्ठान अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुका था और औपचारिक रूप से प्रारंभ होने में थोड़ा वक्त लगा, और शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब 5 जनवरी 1995 को दिव्योगमंदिर ट्रस्ट ये पहला ट्रस्ट बना तो करीब 20,000 रुपये उस ट्रस्ट के लिए स्टैम्प ड्यूटी के लिए पैसे लगते थे। उस समय हमारे पास में इतने भी साधन नहीं थे कि हम 20,000 रुपये जुटा सके, लेकिन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने यहाँ उसका प्रबंध किया। एक संत गुरु निवास में रहते हैं, उनका सहयोग लिया। फिर हमारे जो संस्थापक ट्रस्टी हैं भाई जीवराज भाई पटेल, उनका हमने सहयोग लिया और उस ट्रस्ट की स्थापना की। विगत सेवा के 2 दशकों से ज़्यादा बीत चुके हैं और इन संस्थागत रूप से इन 18 वर्षों में जो कुछ अचीव किया है, हम आज उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पूरी दुनिया के इतिहास में ये देखा गया है कि पहले कोई संगठन तैयार होता है, उसके बाद उस संगठन के साथ करोड़ों लोगों का समर्थन जुड़ता है और कोई बड़ा काम सिरे चढ़ता है। दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, यह जो एक राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, इस अनुष्ठान में एक अजूबा हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्थाएं, उनके विश्वास इस पूरे अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं। माने समर्थन पहले है, अब पहले जिले, तहसील और अब ग्राम स्तर तक, प्रखंड, बूथ, वार्ड स्तर तक संगठन को विस्तार देने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे भीतर आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा, पुकार, आवाज बार बार उठती है कि भगवत प्रेरणा से प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान। इसमें मेरे 2 हाथ नहीं, श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी के ही 2 हाथ नहीं,
आज करोड़ों लोगों के हाथ हमारे साथ हैं, उनका संकल्प हमारे साथ है और करोड़ों लोगों की सहयोग की बदौलत ही आज ये इतना बड़ा अनुष्ठान खड़ा हो चुका है कि दुनिया के लोगों को देखने में आश्चर्य लगता है। अभी हम इस पूरे अनुष्ठान के मूल में जिनका तप है, ऐसे श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी, माने ये मेरे भीतर तो एक विचार था, उस संकल्प को जिन्होंने साकार किया, विचार को जमीन पर जिन्होंने चरितार्थ किया, सपनों को जिन्होंने आकार दिया, जमीन पर उतारा, इस पूरे पतंजलि योगपीठ दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के शिल्पी, योग ग्राम से लेकर के ग्राम उद्योग से लेकर के दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, फिर दिव्य फार्मेसी, फिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण जिसको आपने देखा, और इसके साथ साथ ये गुरुकुलीय व्यवस्था, और फिर पतंजलि आयुर्वेद का विश्वव्यापी काम, इसके पीछे जो तप है, दृष्टि है, इसको आकार देने के लिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, तप किया है, अभिक्रम किया है, ऐसे श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी के पास आपको ले चलते हैं कि एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी जिसने व्याकरण से लेकर के और सब वेद शास्त्रों का, आयुर्वेद का अध्ययन किया, शोध किया, अनुसंधान किया, लेकिन कोई प्रबंधन में डिग्री नहीं थी उनके पास। हाँ, उस व्याकरण से लेकर के वेद शास्त्र से लेकर के सब शास्त्रों में पारंगत हैं, आयुर्वेद के सबसे महानतम आचार्य हैं, हमारी ऋषि परंपरा के, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के, देव संस्कृति ऋषि संस्कृति के वो गौरव हैं, लेकिन उन्होंने कहीं MBA नहीं किया है, उन्होंने कहीं इंजीनियरिंग नहीं किया है, लेकिन ये सारा जब अनुष्ठान कोई देखता है तो वो आश्चर्य से, आधुनिक पढ़े हुए युवा और MBA के हुए, IIT से और तमाम MTech, BTech और जो बड़ी बड़ी दूसरी डिग्रियां, PhD आदि, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि से पढ़ करके जो आए हुए लोग हैं, जब वो आकर के यहाँ पर ये सारा अनुष्ठान देखते हैं तो वाह वाह करने लगते हैं, आश्चर्य से कहने लगते हैं कि सबका सृजन आखिर कैसे हुआ। तो भगवान के उस सर्वशक्तिमान सत्ता के, उस शाश्वत के प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धे आचार्य श्री काम कर रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। आज श्रद्धे आचार्य श्री लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श के रूप में हैं, और इस संस्थागत और संगठनगत अनुष्ठान के अलावा और भी बहुत से दूसरे कार्यों को श्रद्धे आचार्य श्री आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य महर्षि चरक शश्रुत और धन्वंतरी के बाद, माने आयुर्वेद की जो हमारी ऋषि परंपरा है, वो जो हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा है, उस वैदिक ज्ञान परंपरा में एक नया अध्याय श्रद्धे आचार्य श्री जोड़ रहे हैं और उसका नाम है विश्व भेषज संहिता। और इसी संदर्भ में हम श्रद्धे आचार्य श्री से भी बात करते हैं। जड़ी बूटी के संदर्भ में जो हम बातें करते थे, उसकी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे, और हमें खुशी है पूरे देश ने, देश के लोगों ने बड़े प्यार से उसको स्वीकार किया, उस ज्ञान से लाभ उठाया लोगों ने। और उसी समय पर, क्योंकि एक पहले से अभिरुचि थी आयुर्वेद के प्रति, जड़ी बूटियों के प्रति हमने अध्ययन किया हुआ था, पर एक और विचार में एक प्रगाढ़ता या और व्यापकता उस समय पर बातें आई प्रगाढ़ता से, तो हमने और अध्ययन करना शुरू किया। तो हमने देखा कि हमारे देश के अंदर काफ़ी जड़ी बूटियां हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं जिसको जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें जो बहुत बड़ा भाग है वो हमारे देश में ही पैदा होती हैं और यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, पर दुर्भाग्य से उसका जो एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, उनका जो एक दस्तावेजीकरण होना चाहिए था, उसको लेकर के जो व्यापक कार्य होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ था। तो उसके लिए फिर हमने जब लिस्ट बनाना शुरू किया, उनकी जो पूरी एक प्रक्रिया शुरू हुई, तो हमने पाया कि लगभग जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, जितने भी जो आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं, चरक सुश्रुत आदि और जो निघंटु आदि जो ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में जो जड़ी बूटियों का वर्णन है, उन सारे वर्णनों को, उन गुणों को भी एक जगह पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने काम किया कि पहले हमें ये पता चले कि वास्तव में हमारे पूरे जो शास्त्र हैं, उन सारे ग्रंथों में मिला करके कितने जड़ी बूटियों का वर्णन है। तो इस तरह का जब हमने कार्य शुरू किया, तो हमने देखा
कि बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो बहुत अच्छे गुण हैं, कहीं जो प्रकाशित ग्रंथ हैं, जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, जो प्रचलित पौधों के भी बहुत सारे गुणों के संदर्भ में लोगों को पता नहीं था। तो जो प्रचलित पौधे हैं, एक तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे गुणों का हमें नए गुणों का पता चला। तो उस तरह से जो उसकी लिस्ट है लगभग 900 से कुछ ज्यादा 925 के लगभग पौधे हमने ऐसे बनाए और उसके ऊपर काम चल रहा है। आपने निघंटू की तो कई तरह की निघंटू आपने खत्म किया। जब हमने निघंटू इकट्ठा करना शुरू किया तो आचार्य प्रियवत शर्मा जी ने उसके लिए प्रयत्न किया था। उन्होंने 10-12 निघंटुओं को इकट्ठा करके एक दो निघंटुओं को प्रकाशित भी किया। जब हमने जड़ी बूटी के ऊपर काम करना शुरू किया तो लगभग मेरे पास अभी 22 निघंटू हमने इकट्ठा कर लिया। जो अप्रकाशित है उसमें से 7-8 निघंटू तो प्रकाशित में अभी तक नहीं हुए। 22 निघंटू और वो हस्तलिखित प्रतियां भी तो आप अलग अलग इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं जो अलग अलग जगह से हमें मिले हैं। वो कितने वो भी काफी वो अभी हम लोगों ने इस तरह से जितने भी जो पांडुलिपियां हैं उन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए उन पांडुलिपियों में आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद के इतर जो हमारे दर्शन है, उपनिषद है, वेद हैं, सारे पांडुलिपियों कितनी पांडुलिपियों का हमने किया अभी करीबन अभी तक जो पतंजलि योगपीठ से जो हम लोगों ने जो काम किया है वो लगभग 25 लाख पेज से ज्यादा, यानी कि क्योंकि पुस्तकों की दृष्टि से देखें तो हजारों पुस्तकें हो जाती हैं। इतने पांडुलिपि 25 लाख पेज, हाँ जी 25 लाख पेज का अभी हम लोगों का पांडुलिपि का संकलन किया है, हमारा तैयार हो चुका। हम लोगों ने उसको डिजिटलाइज करके डिजिटलाइजेशन हो चुका 25 लाख से ज्यादा पेजों का। साइंटिफिक रिसर्च की बात तो बहुत दूर की है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों की ज्ञान परंपरा का नहीं हो पाया था। और उसमें जो है ये जो अभी जो विश्व भेषज संहिता की जिसको हम अष्टा वर्ग के पुस्तक से प्रारंभ कर चुके हैं उसका एक छोटा सा अंश है ये, इसमें जो है अभी तक क्या कार्य किसने शुरू किया था? और ये जो ये एक तो फोटोग्राफ हम खींचते हैं जड़ी बूटियों के जो आप पहले बहुत आपने खींचे हैं, और ये जो हाथ से बनाए जाते हैं इसमें क्या अंतर, इसको क्या बोलते हैं? ये कैनवास के ऊपर काम होता है, ये कपड़ा होता है कैनवास का, उसके ऊपर ये पेंटिंग। इसमें जो चीज है 900 पौधों का, जैसे मैंने बताया 925 पौधे तो वो है जो हमारी परंपरा में शास्त्रों में वर्णन थे। जब हमने लिस्ट बनाने शुरू करी तो लगभग जो भारतवर्ष के अंदर जो पौधे हैं जिनको अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कहीं कहीं लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसका कोई विधिवत किसी भी तरह से कोई पुस्तक के रूप में या किसी व्यापक रूप से उनका प्रचार नहीं है। तो ऐसे पौधों की जब हमने लिस्ट बनाने शुरू करी तो लगभग हमने 2300 पौधे, ऐसे पौधे हमने ढूंढे भारत में ही। और शास्त्रों में कितने, शास्त्रों में कितनों का वर्णन है? शास्त्रों में मुश्किल से 900 पौधों के लगभग का वर्णन है। 2300 पौधे ऐसे हैं जो प्रयोग तो हो रहे हैं उनका कोई वर्णन नहीं है। प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में नाम है उनका? क्षेत्रीय भाषाओं में सबका नाम नहीं मिलता है, थोड़े बहुत गुण धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी क्षेत्रीय लोगों परंपरागत रूप से प्रयोग करते हैं उनका, परंतु उनका अपने लोकल नाम है, वो कोई प्रांतीय भाषा भी नहीं है, तो लोकल नाम है। कुछ कुछ का लोकल नाम भी नहीं है, कहीं कहीं थोड़े बहुत जैसे पुस्तकों में वर्णन तो है नाम का, कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि जिस पौधे का पुस्तक में जिस नाम से वर्णन है वास्तव में जो उसका जो फील्ड में साइड में जाकर के अलग नाम मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइट का जो नाम है प्रचलन में वो कहीं भी ढूंढो तो कहीं मिलता नहीं है। इस तरह से उनको मैच करना, उसको नाम के साथ जो नाम को आइडेंटिफाई करना पूरी प्रामाणिकता के साथ, यदि हम किसी पौधे को बोल रहे हैं तो वो पौधा कौन सा है, या किसी पौधे के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में किस पौधे की हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों बातें, यानी जो पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं वही पौधा है या जो फोटो दिखा रहे हैं वही पौधा है, ये दोनों को मैच करना बहुत कठिन काम था। हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया कि गांव के लोग कुछ नाम से बोल देते हैं परंतु चक सुश्रुत में तो संस्कृत में नाम और निघंटो आदि में, फिर इनके तो स्थानीय भाषाओं में जो बोलियों में नाम होंगे उसको भी, ये भी बहुत कठिन काम था। दुर्भाग्य से जो चरक सुश्रुत आदि में भी जिन नामों का वर्णन था, बहुत सारे पौधों को लेकर के ऐसा कहा गया कि ये संदिग्ध हैं या ये अनुपलब्ध हैं। तो ये संदिग्ध और अनुपलब्ध शब्द ऐसा था कि ये आयुर्वेद के परिश्रम करने से आदमी को बचाता था कि ये पौधा तो जी मिलता ही नहीं है, या ये इस पौधे को लेकर तो कंट्रोवर्सी है, हो सकता है कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहली बार ये प्रयत्न किया कि किसी भी पौधे के अंदर कोई विवाद नहीं है, प्लांट्स कंट्रोवर्शियल नहीं है, कंट्रोवर्शियल है तो
तो वह हमारे ज्ञान संशयात्पद हाँ, है, अल्प ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो हमारा जो नॉलेज है वो कम हो सकता है, पर पौधों के संदर्भ में जानकारी भ्रमित हो सकती है, परंतु वो पौधा ना भ्रामक है ना उपलब्ध है, उसका जो प्रयोग है ना वो भ्रामक है। तो इस तरह से हमने काम किया, तो टोटल मिलाकर के जो भारतीय हमारे पौधे हैं लगभग हमने 3200 से 3300 पौधे इस तरह से जो शास्त्रों में वर्णित हैं और जो बाहर हैं उनकी लिस्ट पहली बार बना करके अभी हमने उसको कितनी लिस्ट बना चुके हैं। तो इस तरह से ये जो देश के अंदर मिलने वाले पौधे हैं वो 3200 से 3300 पौधों का लिस्ट बन चुका है, और इसके अतिरिक्त तो जो विदेशी पौधे हैं, फिर हमने ये भी उत्कंठा बनी कि पूरी दुनिया के अंदर कितने ऐसे पौधे हैं जिन पौधों के ऊपर लोग जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं लगभग 2100-2200 पौधे हमारे को और मिले, तो टोटल मिलाकर 2200 तो विदेश के पौधे हो गए। हिंदुस्तान के जो पौधे हैं जिनका ऋषियों जो परंपरागत रूप से प्रयोग हो रहा है या जिसका डॉक्यूमेंटेशन है ऐसे लगभग 900 पौधे, और जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है ऐसे 2300 पौधे, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 5300 से 5500 के बीच में हमारी टोटल पौधों की संख्या बनती है। तो इतने पौधों के ऊपर हम जिनके औषधीय गुण है जिनके ऊपर अभी हम खोज कर चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग हुआ है, चाहे प्राचीन काल में चाहे अभी। तो एक तरह से जैसे WHO भी ये कहता है कि आज दुनिया में 90% आबादी जो है वह पेड़ पौधे आश्रित चिकित्सा पर, जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन है उस पर आश्रित है। तो एक तरह से जो 80% चिकित्सा जो लोग दुनिया आज उससे कर रही है वो व्यवस्थित रूप से कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर उस स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। हालांकि क्योंकि जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा में सबसे बड़ा भाग है वो आयुर्वेद का है दुनिया के अंदर, आज भी जो सबसे बड़ा जो व्यापक परिणाम है, हालांकि दुर्भाग्य से जो चाइनीज पद्धतियां हैं या तिब्बतीन मेडिसिन है उस मेडिसिन पद्धति में तो फिर भी काफी कुछ अनुसंधान हो रहा है उस देश की ओर से और व्यावसायिक रूप पर उस पर काफी काम हुआ, इसलिए उसको प्रतिष्ठा मिली है विश्व में। इसका कारण ये है, प्रचार भी मिला, क्योंकि चाइनीज पद्धति में जैसे जो जड़ी बूटियों को वहां पर मुख्य चिकित्सा की धारा में उसको जोड़ा गया, दुर्भाग्य से देश के अंदर मुख्य धारा में हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा को जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा को हम नहीं जोड़ पाए। 97% वगैरह एलोपैथी को मिलता है, 3% में योग आयुर्वेद सिद्धा यूनानी होम्योपैथी सब कुछ आ जाता है, इसलिए तिरस्कृता और एक तरह से नैपथ्य में धकेल दिए। तो इसीलिए क्योंकि जब उसमें एक बजट भी नहीं है, फंड भी नहीं है, दूसरा जो नॉलेज वाले जो लोग हैं वो उस चीज में जब कोई उनको फ्यूचर नहीं दिखाई देता, भविष्य नहीं दिखाई देता, तो जो हमारा देश का जो ब्रेन है उस कार्य के लिए नहीं लग पाता। यदि कोई हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं तो उसका जो पूरा लाभ लेना चाहिए सरकार नहीं ले रही है, या उसके अंदर उसके जो पूर्वाग्रह या दुराग्रह की वजह से उसका लाभ भी पूरा देश को नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से पहली बार प्रयत्न कर करके हमने पूरी दुनिया के औषधीय पौधों का, और इसमें एक विचारने की बात यह है सबसे बड़ी बात, यानी पूरी दुनिया को हम यदि मान लीजिए कहते हैं कि 5500 पौधे हैं, तो इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर लगभग 3300-3400 पौधे, यानी कि दुनिया में जितने औषधीय पौधे मिलते हैं उसमें लगभग 2 भाग हमारे यहाँ मिलता है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है उसकी जो विविधता है, यहाँ का जो प्राकृतिक जो स्वरूप है वो बहुत विविधतापूर्ण है, ये भगवान के द्वारा इस देश को इस तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्ध भगवान की भूमि इसलिए तो कहते हैं भागवत भूमि है। तो इसमें अभी हम कहाँ तक पहुंचे विश्व भेष्य संहिता में? तो इतना काम हुआ है, तो अभी इसमें हम लोगों का लगभग चेक लिस्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधों के फोटो भी नहीं मिलते हैं, तो भरसक हमने सब पौधों का फोटो खींचना शुरू किया है। और तीसरा हम लोगों ने जैसे कैनवास के ऊपर मैंने दिखाया आपको, ये पेंटिंग्स हमारा काम हो रहा है। हालांकि पेंटिंग का काम 18वीं सदी में 1860 के लगभग रॉक्सबर्ग ने किया था, हिंदुस्तान में जो अच्छे जो कैनवास के ऊपर काम करने वाले लोग हैं हमने उनको ढूंढना शुरू किया, और भगवान की दया से एक टीम हमारी बन गई है। तो 10-12 लोग हैं जो अभी इस कैनवास के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग करीबन 1000 के लगभग पौधों का हम लोग कैनवास तैयार कर चुके हैं, और बाकी पौधों का भी चल रहा है। मैं समझता हूँ शायद कैनवास के ऊपर दुनिया में होने वाला ये सबसे बड़ा काम होगा, क्योंकि इसमें बहुत समय भी चाहिए और इसमें पौधों की पहचान ज्यादा आसान हो जाती है फोटोग्राफ से भी। इससे दोनों ही चीजें हैं, पौधों की पहचान भी होती है, देखने में अच्छा भी लगता है और एकदम लाइव फोटो दिखता है। और तीसरी चीज ये भी है कि ये फोटो इनकी आयु करीबन 200 से 300 साल होती है, तो एक बार फोटो बना करके इसको हम सुरक्षित रखते हैं, तो प्राकृतिक रूप से कभी कभी पेड़ पौधे खत्म होने के कगार पर भी होते हैं, तो इन फोटो को देख करके एकदम वास्तविकता का हूबहू उस पौधे का पता चल जाता है।
तो सबसे बड़ा काम इससे ये होगा। तो इस तरह से जो सारा जो काम है वो चल रहा है और लेखन का कार्य भी लगभग अभी हमारा कितने वर्षों से चल रहा है ये कार्य? ये पांच छह साल हो गए हमारे को लगे हुए और हमारी पूरी टीम करीबन 15 लोग जो है लेखन में ही 15 लोग काम कर रहे हैं, उसमें बॉटनिस्ट भी हैं, उसके अंदर हमारे BMS या जो आयुर्वेद पृष्ठभूमि के लोग भी हैं, उसके अंदर परंपरागत जो लोग जानकार लोग हैं वो भी हैं, उसके अंदर यूनानी वाले भी हैं। इस तरह से पूरी टीम बना करके ये व्यक्तिगत रूप से इस काम को हम कर रहे हैं। और मैंने दो तीन बार दूसरे संस्थानों से या सरकार लेवल पर भी उस बात को बताने का प्रयत्न किया तो आपको पता है कि वहाँ से हमें सहयोग नहीं, हमें एक तरह से जो विघ्न मिलता है उससे हमारे कार्य में तेजी आती है। तो विघ्न को हम सहयोग मान करके इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ, बाकी काम चाहे छूट भी जाए उस काम को हमने अभी किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ने दिया, पूरा उसको करना है। यूं तो दिव्य प्रकाशन का एक साहित्य का बहुत बड़ा विभाग है जिसमें योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, प्राणायाम रहस्य, जीवन दर्शन और औषध दर्शन जो लाखों की संख्या में छपी हैं और करोड़ों लोगों तक ये साहित्य पहुंचा है, और योग की भी करीब 44 DVD हैं जो मेरुदंड से लेकर के हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, गर्भवती महिलाओं के लिए योग, बच्चों के लिए योग, अलग अलग प्रकार के योग के CD DVD ये सब भी लाखों करोड़ों लोगों तक आश्रम की ओर से पहुंचे और उससे योग का प्रचार प्रसार इतना व्यापक स्तर पर हुआ। आज 125 करोड़ भारतवासियों तक ही नहीं, पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के करीब 700 करोड़ लोगों तक कमोबेश योग का संदेश पहुंचा है। उसमें कुछ खास साहित्य से आज आपका और परिचय कराते। ये साहित्य भी यद्यपि लाखों लोगों तक तो पहुंचा, अभी इसको भी करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का के लिए हम संकल्पित हैं। यह आप मेरे हाथ में पुस्तक देख रहे हैं, अष्टवर्ग रहस्य, इसका एक छोटा संस्करण पहले निकला था। पूरी दुनिया में ये शायद पहली पुस्तक है अष्टवर्ग के ऊपर जो इंटरनेट से लेकर के और तमाम सोशल मीडिया से लेकर के जितना भी जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें भी ये बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इंटरनेट पे इसके अलावा अष्टवर्ग के बारे में और कोई दूसरी ऑथेंटिक जानकारी ही नहीं है। तो जिसको भी अष्टवर्ग जो कि रसायन के तौर पर सर्वोत्तम माना जाता था उसके बारे में ये पहली पुस्तक है और इसका ये जो है परिष्कृत संस्करण श्रद्धे आचार्य श्री के करीब 2 दशकों के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप ये तैयार हुआ है। जड़ी बूटी रहस्य इसके भी काव्य नया संस्करण भी इसका प्रकाशित हो रहा है बहुत जल्दी ही। 400 पौधे होंगे लगभग, अब 400 तो 125 पौधे इसमें 125 पौधे हैं, 125 पौधे इसको भी लाखों लोगों ने खरीदा है, पढ़ा है। और इसी तरह से एक और बहुत ही विशिष्ट पुस्तक है, उसका नया संस्करण तैयार हो चुका है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, और वो पुराना संस्करण तो काफी लोगों ने पढ़ा है लेकिन नए संस्करण में इतना अद्भुत उसको तैयार किया गया है, मुझे लगता है कि किसी को भी आयुर्वेद को समझना है तो उससे बेहतर कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती। और ये योग का पाठ्यक्रम जिस तरह से श्रद्धे आचार्य श्री अभी कुछ देर पहले विश्व भेषज संहिता वर्ल्ड हब इंसाइक्लोपीडिया के बारे में आपको बता रहे थे, ये योग का पाठ्यक्रम विश्व में पहली बार तैयार किया गया कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। और योग का पाठ्यक्रम इसके पीछे जो है किस तरह से हम एक चरित्रमान की पृष्ठभूमि बच्चे की तैयार होती है, और बिना चरित्रमान के, बिना व्यक्ति निर्माण के राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं सकता। और अभी इसके ऊपर कुछ और भी तो बनाया आचार्य जी, क्या e-learning तैयार, e-learning का उसका क्या है, इंटरनेट से कंप्यूटर से बैठ करके उससे भी सीख सकते हैं, और साथ साथ में हमने इसका अभी एपिसोड के हिसाब से भी जैसे टीवी चैनलों में भी चला करके योग के हिसाब से बच्चे जैसे टीवी में देख करके उनकी रुचि भी बने और योगासन भी कर सके उस तरह से। कितने घंटे का कार्यक्रम है? टोटल 5 घंटे का प्रोग्राम है ये, तो ई लर्निंग का भी 5 घंटे का और टीवी प्रोग्राम भी 5 घंटे का है, वो भी लगभग तैयार हो चुका है। वो अभी तक योग प्रोग्राम को लेकर के इतने व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में किसी ने काम नहीं किया था, और कम से कम क्योंकि आजकल बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं इस तरह की चीजों में बहुत रुचि होती है बच्चों को देखने के लिए, हनुमान जी का भी कार्टून ज्यादा देखते हैं बच्चे, तो अभी उस तरह से उसका ई लर्निंग हमने उस कार्टून के माध्यम से जो बना करके सब तैयार कर दिया। पतंजलि योग पीठ के प्रथम चरण से हम दूसरे चरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज की ओर जा रहे हैं। ये जो है द्वितीय चरण का प्रवेश द्वार है जहाँ से हम अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी शिविरार्थी आते हैं और प्रशिक्षण के लिए, खास करके
योग की ट्रेनिंग के लिए जो गांव, प्रखंड, बूथ, वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ निष्काम भाव से इस योग के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा स्वरूप आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ यदि कमरों में ठहरने की व्यवस्था की जाती है तो 4,000 से 5,000 लोग ठहर जाते हैं और कभी कभी तो 10,000-10,000 लोगों की भी हमने व्यवस्था की। उस समय जो बड़ा हॉल है वहाँ पर भी लोग ठहरते हैं क्योंकि एक साथ 400-500 टॉयलेट्स यहाँ पर बने हुए हैं, भोजन की भी उतने ही ज़्यादा लोगों की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। आइए पूरा परिचय कराते हैं आपको इस परिसर से। ये पतंजलि योगपीठ का द्वितीय चरण है। यहाँ बाईं ओर करीब 1,000 लोगों के लिए योग की व्यवस्था और करीब 5,000-7,000 लोग यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्रेंस आदि कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि एक एक कमरे में 3-3, 4-4 व्यक्तियों की व्यवस्था की जाती है तो करीब 4,000 से 5,000 लोग आराम से यहाँ पर ठहर सकते हैं। इसके पीछे वाल्मीकि आश्रम, हमने सब ऋषि मुनियों को सम्मान देने के लिए जितने भी यहाँ पर ये अलग अलग जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक एक जो ब्लॉक है उसमें 5-5 मंजिल हैं और अलग अलग मंजिल का नाम ऋषि मुनियों के नाम से रखा हुआ है, जमदग्नि, अत्रेय, चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी आदि अलग अलग जो हमारे ऋषि मुनि हुए उनके नाम से इन ब्लॉक्स के नाम हैं। और पीछे वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ पर भी करीब 1,000 लोगों के आवास की व्यवस्था है। और इसके साथ साथ जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो यहाँ मेरे सामने आप देख रहे हैं वो बड़ा हॉल है, उसमें करीब 1,50,000 लोग बैठ सकते हैं, करीब 10,000 लोग उसमें योगाभ्यास कर सकते हैं और इमरजेंसी में ठहरना भी पड़े तो 5-7,000 लोग वहाँ ठहर भी सकते हैं। और उसके पीछे करीब 500-700 टॉयलेट्स की व्यवस्था है। यहाँ ये प्रसादम है जहाँ पर जैसे फेज वन में अन्नपूर्णा की व्यवस्था, करीब 4-5,000 लोग वहाँ पर भोजन पाते, ऐसे यहाँ पर ये प्रसादम की व्यवस्था है जहाँ पर यहाँ पर ठहरने वाले शिविरार्थी उनके भोजन की व्यवस्था होती है। और जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो इस हॉल के नीचे का जो बेसमेंट बना हुआ है काफ़ी बड़ा है, उसका भी इस्तेमाल जो है वो भोजन के लिए किया जाता है। तो ये मैंने एक सामान्य परिचय कराया इस परिसर का। और यहाँ सभी कमरों के अंदर जो एक इंसान के लिए जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी गर्म पानी से लेकर के, और आप बाहर से तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप अंदाज लगा ही सकते हैं, अंदर से भी इसको इतना ही खूबसूरत बनाया गया है। और इसका 99% इस्तेमाल निःशुल्क रूप से जो शिविरार्थी आते हैं उनको ठहराने के लिए किया जाता है। जब शिविरार्थी नहीं होते तब जो तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं लोग उनके लिए भी कभी कभी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपका थोड़ा सा परिचय यहाँ इस हॉल से करा देते हैं। ये देश ही नहीं शायद दुनिया का अपने ढंग का सबसे बड़ा हॉल होगा ये, जहाँ पर अभी तक लाखों लोग योग सीख चुके हैं और अभी भी ये क्रम निरंतर जारी है। इस भयंकर ठंड में भी यहाँ प्रशिक्षण का काम निरंतर चलता ही रहता है। इसमें ये मेरे दाहिनी ओर आप जो देख रहे हैं पीछे की ओर, वहाँ पर पूरे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, करीब 400 से 500 टॉयलेट्स बाथरूम वहाँ पर हैं। ये एयर कूलिंग सिस्टम इसमें रखा गया, आप बाहर देख रहे हैं ये सारे जो है इसके अंदर एयर कूलिंग का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये पूरी बागवानी है, मैंने जैसे कि कहा कि श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जिनको बागवानी का बहुत शौक है, उनकी हॉबी है, उनकी एक तरह से मूल प्रकृति है। आप अभी भयंकर ठंड है, दिसंबर का महीना है जा चुका है, अब जनवरी में हम प्रवेश कर चुके हैं और इतनी भयंकर ठंड में भी आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर फूल और बागवानी की जो लोगों को देख करके ही, चाहे वो पतंजलि योगपीठ हो या योगग्राम हो, यहाँ पर आकर के ही लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में आ गए हैं। सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। ये पूरा हॉल
जो है जिसको आप देख रहे हैं योग भवन, उधर वो श्रद्धालय में है जहाँ पर छोटी व्यवस्था है, अर्थात 1000 लोगों तक को योग सिखाने की व्यवस्था के लिए और करीब 5-7 हज़ार लोगों की कोई जो है सभा करनी हो उसके लिए वो व्यवस्था है। यहाँ 40-50 हज़ार लोग तक इसमें समाहित हो जाते हैं और करीब 8-10 हज़ार लोग आराम से बैठ करके लेट करके यहाँ पर योग कर सकते हैं। यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई है, इसमें किसी के पास कोई जेवरात आदि होते हैं तो दोनों तरफ जो है लॉकर्स की व्यवस्था रखी गई है, दाईं ओर और बाईं ओर। और ये पूरा बड़ा हॉल है जहाँ पर आप सुबह सुबह जो योग का कार्यक्रम आप टीवी पर प्रसारित होता हुआ देखते हैं तो उसके लिए ये पूरी व्यवस्था है। और अभी तो इसमें क्योंकि कार्यक्रम नहीं चल रहा है, मैं अवकाश के समय आया हूँ, दोनों तरफ बड़ी स्क्रीन से लगी होती है सामने, वो बड़ा मंच बना है जिसके ऊपर कम से कम 200-250 लोग मंच के ऊपर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरे में मैट बिछा दिए जाते हैं। जब यहाँ पर ये कुछ भी व्यवस्था नहीं थी तो खाली ज़मीन पर लोग मिट्टी होती थी और उसी के ऊपर बैठ करके यहाँ से कम लगभग 5 लाख लोग यहाँ प्रशिक्षण लेकर के जा चुके हैं। पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण के साथ ही बाईं तरफ आप नर्सरी देख रहे हैं, यहाँ पर जड़ी बूटियों से लेकर के और अलग अलग प्रकार के पौधों की नर्सरी की व्यवस्था है। ये राजीव दीक्षित भवन, ये भारत स्वाभिमान का केंद्रीय कार्यालय है और यहाँ पर सभी प्रांतों के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं जहाँ से हमारे सेवाव्रती भाई, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी गणेशन जी महाराज, भाई हरिशरण जी, भाई पंकज जी, भाई दिलीप जी, भाई विनोद जी, ये सब यहाँ पर बैठते हैं। और हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी, डॉक्टर सुमन भैन, भाई राकेश जी और इसमें श्रद्धेय आचार्य श्री का भी बीच बीच में आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं भी स्वयं यहाँ बीच बीच में आता रहता हूँ। और ये नीचे बेसमेंट से लेकर के ऊपर तक इसमें संवाद से लेकर के सेवा के सभी कामों का केंद्रीय रूप से मार्गदर्शन सब कार्यकर्ताओं का यहाँ से होता है। और देश भर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क संवाद और अभी गांव प्रखंड बूथ वार्ड से लेकर के तहसील और जिला स्तर तक जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उस सब की रिपोर्टिंग की भी यहाँ से व्यवस्था रखी गई है जिससे कि काम भी हो धरातल पर भी और साथ साथ में उसको एक व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सके, उसके लिए ये पूरी व्यवस्था संचालित होती है भारत स्वाभिमान के मुख्यालय से। ये पतंजलि योगपीठ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो हमारे चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की जो पावनी परंपरा है उसको प्रतिष्ठापित करना चाहता है पूरी प्रामाणिकता के साथ, इसलिए ये हमारे श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी के नाम से स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम जिसका अभी करीब 2 साल पहले उद्घाटन हुआ। और हर परिसर के अंदर यज्ञशाला है, जैसे आपने पतंजलि योगपीठ के प्रथम चरण में देखा ऐसे ही यहाँ पर भी ये यज्ञशाला है। यहाँ ये अलग अलग प्रकार के सुविधाएं हैं सब लोगों के रहने के लिए, सामूहिक सेवा के सामूहिक कार्यों के लिए ये पूरा भवन बना हुआ है। बाईं तरफ आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग बैठ कर के कुछ खास उनको मीटिंग करनी है, किसी विषय पर चर्चा करनी है, पुस्तकालय लाइब्रेरी है और भी जो सामुदायिक सेवाएं हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था रखी गई है। ये यहाँ पर डबल बेडरूम की जो है व्यवस्था है, दाएं तरफ 2 रूम बने हुए हैं एक साथ और सामने की तरफ जो है वो सिंगल रूम की व्यवस्था है। उन सब के अंदर भी एक छोटी पेंट्री, छोटी रसोई भी दी हुई है और इसको भी पूरा ऐसा परिवेश दिया गया है सुंदर जिससे कि
सब लोग आनंद कर सकें, प्रकृति के साथ जी सकें। और ये कुछ श्रद्धेय आचार्य भाषण जी, क्योंकि इस पूरे सृजन के पीछे, इस पूरे निर्माण के पीछे उन्हीं का बड़ा योगदान है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह से ये जो तीन अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसके अंदर तीन अलग अलग जो भवन बने हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। मैंने कहा पहले ही महर्षि पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि चरक, शुश्रुत धन्वंतरी से लेकर के महर्षि ऋषियों के इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, हमारा सीधा सा मानना है कि हमारे पूर्वजों का जो भी शुभ है वो हमारा अपना है, और उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव का, कोई पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हमने कहा अपने पूर्वज वीर वीरांगनों, ऋषि ऋषिकाओं का जो भी शुभ है, संतों का, फकीरों का, वो हमारा अपना है। और उसके लिए ये जो है सारी कल्पना के पीछे आप देख सकते हैं उस दिव्यता को, भव्यता को। ये जो है पाषाण की बहुत सुंदर प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जिसको देख करके हमें एक प्रेरणा मिलती है ध्यान लगाने की। स्वर्ग जैसा वातावरण इस वानप्रस्थ का, और हर किसी का दिल चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंतिम दिन हरिद्वार के तीर्थ में बीतें, और हरिद्वार के तीर्थ में यदि पतंजलि योगपीठ में इस शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में, जो हमारे गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी के नाम से है, तो स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में आकर के रह करके यहाँ पर किसी को सौभाग्य मिले रहने का, तो इससे बड़ी जिंदगी में किसी इंसान के लिए और क्या बात हो सकती है। तो आपकी भी उम्र यदि वानप्रस्थ की है, पहले आपने पढ़ाई में वक्त गुजारा, फिर कमाई में ज़िंदगी बिता दी, और जो अंतिम पड़ाव है जीवन का, यदि उसमें आपने वानप्रस्थ और संन्यास जैसा जीवन जी करके यदि अनासक्त भाव अपने भीतर पैदा नहीं किया, जाते जाते जीवन मुक्त होकर के आप नहीं गए, तो लगता है फिर ये जो पूरे जीवन का जो चक्रव्यूह है उसमें कहीं ना कहीं आप फिर फंसेंगे, भोग की तरफ जाएंगे, पतन की ओर जाएंगे। आप निरंतर उत्थान की ओर आपको जाना है, जीवन की शाश्वत परंपरा में हमें निरंतर ऊंचाइयों की ओर जाना है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की पावनी परंपरा को आत्मसात करते हैं और ऋषियों के बताए अनुसार जीवन को जीते हैं। यह है गुरुकुल का प्रतिष्ठान, और इस संस्थान में बच्चों के लिए दो तरह की गुरुकुल की व्यवस्था रखी है, एक छात्रों के लिए, एक दूसरा छात्राओं के लिए, एक ब्रह्मचारियों के लिए, एक ब्रह्मचारिणियों के लिए। तो ये जो पूरा परिसर है ये ब्रह्मचारियों के लिए है, 500 से ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। तो अभी दो परिसर इसमें बनाए गए हैं, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए, और दोनों में मिला करके ये जो व्यवस्था है इसमें हम लगभग 1200 से 1500 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था पूरी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी जो है निर्माण की प्रक्रिया समापन की ओर है, और रामनवमी तक ये पूरा कार्य पूर्ण हो चुका होगा। अभी आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे की ओर, मेरे बाईं ओर यहाँ पर ये जो पूरा भवन है यह भी अपनी पूर्णता की ओर है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये यज्ञशाला है। जैसे मैंने कहा कि पतंजलि के हर परिसर में एक यज्ञशाला की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो हमारी वैदिक परंपरा है अग्निहोत्र आदि की वो कहीं पर भी बाधित ना हो। संध्या है, यज्ञ है, योग है, ये हमारी संस्कृति के मूल आधारभूत तत्व हैं। तो हर एक परिसर में एक यज्ञशाला की व्यवस्था है, वो यज्ञशाला यहाँ पर भी तैयार हो चुकी है, और इसमें सामने की और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और चारों तरफ इसको एक बहुत ही भव्य वातावरण इसको दिया जाएगा। यहाँ से इसको बाद में बंद कर दिया जाएगा, ये दो परिसर, क्योंकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से दिक्कत ना आए, इसके लिए ये दो परिसर साथ साथ बनाए गए हैं।
ये पूरा बहुत ही भव्य परिसर है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसके दाहिने ओर यज्ञशाला है और इसमें पूरी जो व्यवस्था है करीब 1000 के करीब यहाँ पर ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियाँ रह करके अध्ययन कर सकेंगे। तो हमारा ये सबके साथ विमर्श करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विज्ञान, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी विषय आधुनिक हो सकते वो भी बच्चों को पढ़ाए जाए और वेद, दर्शन, उपनिषद जो बेसिक नॉलेज है अपने संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, ऋषियों की ज्ञान विरासत का, वो भी बच्चों को मिले। तो ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनों के सपनों का जो हमें भारत बनाना है उसके लिए कई दिशाओं से तैयारी करनी है और उसका ये एक संक्षेप में आपसे का परिचय करवाया। आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान में सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का दिव्य संगम होगा और इसमें विश्व स्तरीय सभी सुविधाओं के साथ NCERT द्वारा निर्धारित CBSE पाठ्यक्रम होगा। इस आवासीय गुरुकुल में कक्षा 5 व 6 में प्रवेश हेतु 3 फरवरी, 3 मार्च एवं 31 मार्च को प्रवेश परीक्षाएं होंगी। यदि आप भी अपने बच्चे को संस्कृत भाषा बोध व संभाषण से लेकर वेद वेदांग, दर्शन, उपनिषद, वैदिक संस्कृति व सभ्यता तथा संस्कारों के समग्र बोध के साथ अंग्रेजी भाषा व संभाषण, गणित, विज्ञान, कला कौशल व क्रीड़ा आदि में निपुण बनाना चाहते हैं तो बच्चों के प्रवेश हेतु संपर्क करें। अभी हम खड़े हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के परिसर में। यहाँ लगभग 1000 लोगों के आवास की व्यवस्था है और इसके साथ में संत रविदास लंगर की व्यवस्था है। आइए इससे आपका परिचय कराते हैं। श्रद्धे पूज्य संतों के कर कमलों से रामनवमी विक्रम संवत 2067 तदनुसार दिनांक 24 मार्च 2010 को इस महर्षि वाल्मीकि आश्रम का, धर्मशाला का उद्घाटन हुआ। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक एक कमरे में इस तरह से ये तख्त लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी के लिए कंबल की और ये गद्दे की व्यवस्था रहती है। ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पर अभी लोग ठहरे हुए हैं और ये 7 लोग एक साथ यहाँ ठहर सकते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर भी यहाँ पर 2 लोगों से लेकर के 6, 7, 8 और बड़े हॉल भी हैं जहाँ पर एक साथ कई लोग भी ठहर सकते हैं। ऐसे अलग अलग यहाँ पर आवास की व्यवस्था है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम धर्मशाला के साथ ये है संत रविदास लंगर। हमने सभी संत महापुरुषों को जितना सम्मान हमने महर्षि पतंजलि को दिया वैसे ही सम्मान हमने महर्षि वाल्मीकि को दिया, संत रविदास को दिया और गौतम, कपकराद, जिमनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, जो अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम से ये जो अलग अलग जो भवन हैं उनको भी हमने बनाया है और मकसद है सब ऋषि मुनियों को सम्मान देना। और आइए आपका भी परिचय कराते हैं यहाँ की रसोई से। संत रविदास लंगर का ये अंदर का भवन है और कोई स्वेच्छा से यहाँ दान देना चाहे तो उसके लिए दान पात्र की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कोटा स्टोन लगा हुआ है और पूरी स्वच्छता का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। अभी क्योंकि दोपहर का भोजन हो चुका है इसलिए यहाँ पर चारों ओर सफाई का कार्य चल रहा है। यहाँ पर पानी की पीने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर ये बर्तन धोने की, पात्र धोने की व्यवस्था रखी गई है। 2-3 हजार से लेकर के 5 हजार लोग तक यहाँ पर भोजन करते हैं। अभी हम खड़े हैं शिवा कुटीर के बाहर।
श्रद्धे आचार्य बागचंद जी महाराज जी ने संतों के आवास के लिए बहुत ही प्यार से इसे बनाया है, और ये सौभाग्य है कि इसका उद्घाटन भी परम पूज्य श्रद्धे संतश्री मुरारी बापू जी के आगमन और उनके आवास के साथ ही इसका उद्घाटन हुआ। आप देख रहे हैं इसको पूरा गांव का परिवेश इसको दिया गया है, ऐसा वातावरण दिया गया है, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य। और आगे जो आवास आदि की पूरी जो कल्पना है वो इसी आधार पर की गई कि जिस पैतृक गांव में सरदार पटेल रहा करते थे, इसी तरह से पूज्य बापू जहां अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में रहा करते थे, और इसी तरह से विनोबा जी जिस कुटीर में रहा करते थे, महर्षि दयानंद और ये तमाम महापुरुषों के जो पैतृक आवास थे, उनकी कल्पना के जो है उनके पैतृक जो घर थे उन्हीं को आधार बना करके ये सारा परिसर बनाया गया है। और यहाँ सारी चीज़ों को यहाँ आप ये देख सकते हैं, जो है जो बेंच है वो भी जो है पत्थर से बनी हुई, जो है प्राकृतिक तरीके से बनाई हुई है। और यहाँ सामने आप सारी कुटियाओं को देख सकते हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी वो बाईं तरफ वो हटनुमा ही रखा गया है पूरा का पूरा। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये सारी जो कुटिया बनी हुई हैं, इसमें गुजरात का ज़्यादा पुट है। वैसे भी हमारी जो ये योग की यात्रा है इस गुजरात से शुरू हुई, सूरत से विराट रूप में, और उसके बाद इसने बहुत बड़ा आकार लिया। ये बाईं तरफ एक कुआं है, उसके पास ये छतरी है, और सामने भी एक छतरी है। ये सारी कुटिया जो है इनमें पूरे आवास की बहुत सुंदर व्यवस्था रखी गई है। श्रद्धे आचार्य श्री ने संत निवास के रूप में ये शिवा कुटीर का निर्माण करवाया, और बहुत प्यार से उन्होंने इसे बनाया है, झोपड़ियों से छप्परों से लेकर के। और यहाँ ये आप दाईं तरफ जो छतरी है इसमें यज्ञशाला बनाई हुई है। जैसे कि मैंने कहा था, हर परिसर में यज्ञशाला अनिवार्य है, वो साधना का केंद्र है, वो शक्ति का केंद्र है यज्ञ। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो शुरुआत ही यज्ञ से होती है, चाहे वो 16 संस्कार हों, पंचमहायज्ञ हों, और चार वेदों में जो प्रथम ऋचा भी है, अग्नि मीलय पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता रम रत्न धातमम, तो ये यज्ञशाला से की यहाँ पर भी व्यवस्था है, और प्रतिदिन प्रत्येक परिसर में यज्ञ होता है। इसके पीछे आप देख रहे हैं वो महात्मा गांधी का जो आवास था साबरमती में, वो है ये। उसके बाद आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो है विनोबा जी के आवास, जिस घर में रहा करते थे वो उसका हूबहू ये स्वरूप है। और यहाँ ठीक मेरे सामने यहाँ ये महर्षि दयानंद के घर का प्रतिरूप है, और जहाँ पर वो आपको हाथी घोड़े और ऊपर जो बालकोनी दिख रही है वो कर्म सद का जो है घर है, पैतृक घर है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मैं खुद कर्म सद में 2 बार जा चुका हूँ, एक बार वहाँ शिविर लगाया, और इस बार जो ऐतिहासिक आंदोलन 9 अगस्त से 13 अगस्त तक दिल्ली रामलीला मैदान में हुआ, उस दौरान भी मैं 3 दिन वहाँ पर जा कर के रुका। और श्रद्धे
आचार्य श्री ने जिस गांव में मैं ये इस शरीर का जन्म हुआ उसका भी अनुकरण करके जो सामने आप देख रहे हैं, ये उस अलीपुर गांव का जो है जो पैतृक निवास था उसका हूबहू यहां पर ये निर्माण करवाया है। और आप यहां ये देख रहे हैं तालाब है जिसमें एक इसको एक प्राकृतिक स्वरूप दिया गया है और इसके अंदर गुफा बनाई गई है और वो गुफा भी बहुत सुंदर है। श्रद्धे आचार्य श्री को इस तरह की चीज़ों से बहुत प्यार है। यहाँ ये लकड़ी का पुल बनाया गया है और आइए आपको गुफा के अंदर ले चलते हैं। श्रद्धे आचार्य बाक्षण जी को इस तरह से नई नई रचना करना और क्रिएशन उनका धर्म है। और मुझे तो ऐसा लगता है हजारों नहीं लाखों लोगों के अंदर जितना दिमाग होगा और जितनी शक्ति होगी उतनी शक्ति श्रद्धे आचार्य श्री को भगवान ने देकर के भेजा। ये इस गुफा के अंदर ये जो है कोपर की और अलग अलग धातुओं की बनी हुई प्लेट्स हैं और इनमें ओम और स्वस्तिक के साथ वेद के मंत्रों का उपनिषदों के ऋचाओं का अलग अलग तरह से यहाँ पर लेखन किया गया है। एको देवाः सर्वभूतेषु गूढ़ाः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षाः सर्वभूताधिवासाः साक्षिचेत केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेताश्वर उपनिषद का कि एक ही देव सब भूतों के अंदर रमा हुआ है। और ऐसे ही अलग अलग वेद की ऋचाएं हैं और अलग अलग रूपों में भारतीय संस्कृति का आप यहाँ दिग्दर्शन कर सकते हैं। ओम कृतो स्मर हे मनुष्य तू कर्मशील बन और प्रभु का नाम जप। ऐसे ही ये इनमें सब में लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। ओम खम ब्रह्म का साक्षात्कार यहाँ और अलग अलग तरह से जो है जो मुद्राएं हैं और योग की जो विधाएं हैं योग विद्या जो परा अपरा विद्याओं का जो प्रवेश द्वार है ज्ञान विज्ञान परा विज्ञान है ये योग विद्या ये ब्रह्म विद्या इसके बारे में अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। और यहाँ बैठ करके कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है और यहाँ बैठ करके जब व्यक्ति ध्यान करेगा तो उसको अनुभव ऐसे होता है जैसे वो हिमालय की किसी गुफा में बैठा है और जो कैलाश मानसरोवर पर अनुभव होता है मन की शांति जो वहाँ पर मिलती है जो शांति गंगोत्री की गुफाओं में बैठ करके मिलती है। मैं तो खुद वहाँ पर रहा हूँ श्रद्धे आचार्य बाक्षण जी महाराज भी वहाँ पर रहे हैं तो वही अनुभूति व्यक्ति यहाँ कर सकता है। किसी को जो है आसन लगा करके और ध्यान लगाना है तो वो भी यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ध्यान लगाने के बाद आइए आपको ले चलते हैं अब हर्बल गार्डन में। यहाँ ये ऐसे इसको स्वरूप दिया गया है कि आपको लगेगा कि आप हिमालय में हिमालय की कंदराओं में कैलाश मानसरोवर पर आप पहुंच गए हैं। इसी संत निवास में शिवा कुटीर में ये अलग अलग औषधियां हैं औषधीय जड़ी बूटियों का ये उद्यान है जिसमें आप देख रहे हैं बहेड़ा है दम्बेल है बिलोपत्र है पत्थर चटा है वचा है और ये अलग अलग प्रकार की सारी जड़ी बूटियां छोटी इलायची है काली हल्दी है पुनर्नवा है निर्गुंडी है सारी औषधियां और अजवाइन है
अश्वगंधा है, अलग अलग प्रकार की औषधियां यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि व्यक्ति को जो भगवान ने हमें जीवनदायिनी जड़ी बूटियां दी हैं उनके बारे में भी ज्ञान हो सके। संस्थान की सेवाओं से लाभान्वित होने एवं सहयोग करने हेतु संपर्क करें। पूज्य स्वामी।